बदायूं की दातागंज विधानसभा के सैजनी गांव में शनिवार को 3311 क्षमता के नए पावर हाउस का शिलान्यास शनिवार को केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने नींव की ईंट रखकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिजली घर पूरे दातागंज समेत आसपास के इलाकों के किसानों के लिए, व्यापारियों तक के लिए, सभी के लिए वरदान साबित होगा। सैजनी गांव में तकरीबन 6,83,00,000 की लागत से नए पावर हाउस का निर्माण प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दातागंज विधानसभा लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। जहां एक ओर यहां एथनॉल प्लांट है, वहीं दूसरी ओर महिला पीएसी बटालियन का निर्माण भी चल रहा है, जो अंतिम पड़ाव पर है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे का उतार चढ़ाव भी यहां के लोगों को बिनावर के अलावा दातागंज में हाल ही में स्वीकृत हुआ है। ये सभी क्षेत्रीय विधायकों की मेहनत का परिणाम है। विद्युत केंद्र दातागंज क्षेत्र में सैनी का क्षेत्र लगता है, इसे मीडिया बड़ा कहते हैं। मुझे लगता है कि जो अब तक हमारी ओवरलोडिंग की समस्याएं जो रहती थी 2014 के बाद, जिस तरह से लगातार बिजली के कनेक्शन बढ़े, चाहे सिंचाई के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन, उद्योग के लिए बहुत सारे कनेक्शन, इसके साथ साथ सौभाग्य योजना में बिजली के कनेक्शन घर में घुसी जाने चुके, अन्य घरेलू कनेक्शन, वो लगातार बिजली की खपत बढ़ी है। वो लगातार हमारे बिजली घर तो बन रहे थे, लेकिन आज ये 3311 का केबीए का ये बिजली घर, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा प्रदान साबित होगा और जो ओवरलोडिंग की समस्याएं हैं कम होगी।